प्रयागराज के फूलपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी के नामांकन में हंगामा देखने को मिला। एसपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा किया। नामांकन कक्ष में प्रवेश के दौरान पुलिसकर्मियों के रोकने पर सपा नेताओं ने हंगामा किया। बड़ी संख्या में सपा नेता नामांकन कक्ष में जाना चाहते थे। पुलिसकर्मियों से एसपी नेताओं की कहासुनी हो गई। एसपी नेता अमरनाथ मौर्य और पुलिसकर्मियों से जमकर बहस हुई। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों को औकात में रहने की बात कही। फूलपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी मुज्तबा सिद्दीकी के नामांकन के दौरान हंगामे की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अमेठी में एसपी नेता शिव प्रताप यादव के बेटे और उनके साथियों ने सीओ ऑफिस के सामने पुलिस की मौजूदगी में बुजुर्ग और उसके बेटे को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। इस पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया है। नायब तहसीलदार कोर्ट में विवाद हुआ था। शिकायत के बाद नायब के बुलाने पर बुजुर्ग तहसील पहुंचा था। एसपी नेता पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप है, जिसकी शिकायत करने बुजुर्ग तहसील पहुंचे थे। हम आए, हमका एक बैंक मारे लगे, हमका क्या पता कौन है थे ये पहचानते हैं। ये यादव सन आप शिव प्रताप और शिव प्रताप सन आप राम। कोई विवाद था इनसे कभी आपका? यही विवाद है जो कुल कब्जा कर रहे हैं। हम जो है इनको विरोध कर रहे हैं, उसी से ये आए एक बैंक मारने लगे। तो चोटे वोटे आई है आपको? अरे हाँ था, चट्टा से मारे और कौन चोट आई। कोई शिकायत की पुलिस से आपने? अभी कहाँ दी, अभी तो एक बात है। और अमेठी से हमारे सहयोगी पप्पू पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू, क्या जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से सपा नेता व उसके बेटे और साथियों ने पूर्व प्रधान और उसके बेटे को तहसील में कचहरी में दिन दहाड़े सरेर पीटा है और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एक पुराना विवाद बताया जा रहा है जिसकी पिटाई हुई है बुजुर्ग की। ये गंगौली के ग्राम प्रधान है रामजस यादव और जो पीटने वाले हैं वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। अमेठी तहसील में इनका अच्छा खासा रसूख होता है। यादव महासभा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के भी करीबी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो शिकायत हुई थी कि जब से ये प्रधान इनकी बहू हुई है अर्चना यादव, तब से ग्राम सभा में जमीनों की अवैध तरीके से कब्जेदारी का मामला सामने आ रहा है। ग्रामीण उसकी शिकायत लेकर तहसील पहुंचते हैं। जो इस सपा नेता शिव प्रताप यादव व उसके बेटों को नागवार गुजरता है, जिससे खुन्नस खाकर सरे तहसील में पिटाई की गई है और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिलहाल पीड़ित की ने अमेठी कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस इस मामले पर कार्रवाई की बात कर रही है। फिलहाल ये दोपहर 12 बजे के आसपास का मामला है जहां समाजवादी पार्टी के नेता ने तहसील में दिन दहाड़े पिटाई की है बुजुर्ग की। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू पांडे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी निषाद पार्टी को एक सीट दे सकती है। बीजेपी निषाद पार्टी को मझुआ या फिर कटहरी सीट दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक निषाद पार्टी का उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरेगा। बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी उपचुनाव में 2 सीटों की मांग कर रही थी। इसको लेकर कल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात भी की थी। आज शाम तक बीजेपी प्रत्याशियों की सूची आ सकती है।